हम बना रहे जा रहे हैं 3D एक्सरसाइज इन सॉलिड वर्क्स। इसके लिए हम पहले लेंगे टॉप प्लेन, ये हमारा स्केच में एंटर करेंगे, और इसके बाद लेंगे हम सर्कल। टोटल हम 3 सर्कल लेंगे, 1, 2 और 3। अब इसके हम देंगे डायमेंशंस, ये जो पहले तीनों सर्कल हमारे सेम रहेंगे, जिनका डाया होगा 18 mm का, ठीक है। इन सभी तीनों को हम देंगे हम इक्वल का रिलेशन, ओके। कंट्रोल के साथ दोनों को सिलेक्ट किया और जहाँ पर इक्वल कर दिया, दोनों इक्वल हो चुके हैं। अब हम देंगे एक सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन हमारा काम करेगी एज ए सिमेट्री के रूप में, जिससे कि दोनों की जो सर्कल का जो सेंटर होगा, सीडी होगी, जिसे हम सीडी बोलते हैं, ये सेम रहेगा, ठीक है। तो पहले इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम करेंगे कंट्रोल, फिर दूसरे सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल को दबाकर रखते हुए हम करेंगे लाइन को सिलेक्ट, और हम कंट्रोल को छोड़ देंगे। और आप जहाँ देख रहे हो सिमेट्रिक ऑप्शन आ रहा है, ये क्या करता है कि दोनों बॉडी को आपस में सेम डिस्टेंस पर रखता है। अब हम सिमेट्रिक करेंगे, जहाँ पर हम जहाँ से भी सिमेट्रिक कर सकते हैं और जहाँ से भी सिमेट्रिक करके ओके कर सकते हैं। तो ये दोनों हमारे सर्कल सेम डिस्टेंस पर आ गए हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हम देते हैं डायमेंशंस कि ये कितनी रखनी है। हमने ये रखी 92, ओके। आप देख सकते हैं ये वाला ब्लैक हुआ पड़ा हुआ, पर ये दोनों ब्लू में, इसका मतलब कि ये जो अब ये फुली डिफाइंड हुआ पड़ा, ये है अंडर डिफाइंड। ब्लू का मतलब वो था अंडर डिफाइंड, यानी कि ये इसकी डायमेंशन इसके साथ लिंक इसको देना पड़ेगा, तभी ये पूरे ब्लैक होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम देंगे ये दोनों का डिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 64 का दे दी हमने। आप देख सकते हैं ये तीनों सर्कल जो हैं इक्वली वो क्या गया, फुली डिफाइंड हो गए हैं। और सॉलिडवर्क्स में हमको जो क्या अपना जो स्केच होता है वो ब्लैक में रखना पड़ता है फुली डिफाइंड के रूप में। अब हम निकलते हैं कमांड से बाहर, उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्कल लेंगे फिर से एक और, इसको गया 1, 2, 3। शॉर्टकट की भी होती है, जैसे हम राइट क्लिक करके ऊपर की तरफ एरो करेंगे तो एक शॉर्टकट माउस गेस्चर होता है। इसे डायमेंशन ली, ये जो हमारा सर्कल जो होगा जो होगा 36 का, ओके। अब इसके उनको डिमेंशन देने की जरूरत नहीं है, बस सीधा क्या करेंगे हम सर्कल को कंट्रोल के साथ दबाकर क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल को दबाते हुए दूसरे सर्कल को क्लिक करेंगे और हम रिलेशन दे देंगे इक्वल का। ये दोनों हमारे सर्कल इक्वल हो गए हैं। फिर से हम क्या करेंगे, इसे सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, फिर से कंट्रोल के साथ दूसरे सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और हम रिलेशन दे देंगे इक्वल का। फुली डिफाइंड हो चुके हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे, कहीं भी रख दें, जहाँ भी रख दें कहीं पर भी, सिंपल इस पर रखेंगे और एक लाइन इस पर लगा देंगे, ठीक है। ये लाइन फुली डिफाइंड क्यों की है, क्योंकि इस पर रिलेशन ऑटोमेटिक ये पकड़ लिया है सॉलिडवर्क्स ने टेंजेंट का। जब भी हमारी लाइन जो है किसी सर्कल पर किसी आर्क पर लगती है तो उसमें हम टेंजेंट का रिलेशन देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो जहाँ भी टेंजेंट लग गया है, ठीक है। ये जी हो गया, फिर से एक लाइन लेते हैं, एक पॉइंट जहाँ पर, ठीक है। अब देखिए कि ये टेंजेंट नहीं हुई, ये ब्लू हुआ, ठीक है, यानी कि अंडर डिफाइंड है, हम इसे कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइन पर दो बार क्लिक करेंगे, ये हमें बता देगा कहाँ टेंजेंट का रिलेशन नहीं लगा, जहाँ पर लगा हुआ
पर जहाँ नहीं लगा इस पर हमें टेंजेंट का रिलेशन लगाना पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया था कि टेंजेंट का रिलेशन तब लगते हैं जब लाइन और सर्कल पर हमको उनको दोनों को जोड़ना हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लाइन को सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल दबाया, फिर हमने सर्कल को सेलेक्ट करके रखा, कंट्रोल के दबा कर रखा साथ में। अब कंट्रोल जैसे छोड़ेंगे तो टेंजेंट का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पर क्लिक कर देंगे, फिर जहाँ पर क्लिक देखते हैं, ठीक है। ये तो वो, ये भी ब्लैक हो गया, ये तो हम आ गई 2D हो गई, ठीक है, स्केचिंग। अब हम जाएंगे 3D में, ठीक है। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमें जो चीज़ नहीं चाहिए उनको रिमूव कर देंगे, ट्रिम के साथ ट्रिम करेंगे, ठीक है। पहले हम ये ट्रिम कर देंगे, फिर ये ट्रिम कर देंगे, फिर ये ट्रिम कर देंगे, ठीक है। हम एक लाइन लेंगे इसको इस पॉइंट के साथ, ठीक है। ट्रिम में गए, इसको इसके साथ ट्रिम किया, इसको इसके साथ ट्रिम किया। अब हम जाएंगे, अब सीधा जहाँ से बैक भी कर सकते हो, जहाँ सीधा जहाँ से फीचर में गए, एक्सट्रोड बॉस वेस में गए। ये फीचर्स वाली जो भी कमांड्स होती हैं, ये हमारी 3D की होती हैं, जो कि हमारे 2D स्केच को 3D में कन्वर्ट करती हैं, 3D मॉडल में। 3D मॉडल मतलब जिसमें हाइट हो, लेंथ हो और विड्थ हो, ठीक है। 2D स्केचेस वो होते हैं जिनमें वो क्या होता है कि थिकनेस नहीं होती, लेंथ और विड्थ ही होती है, ओके। तो हम इसमें ये, तो ये ब्लेंड का ऑप्शन बता रहा है कि हमें कितनी इसकी भी जो है लेंथ रखनी पड़ेगी, थिकनेस रखनी पड़ेगी, ठीक है, हाइट कितनी इसकी रखनी पड़ेगी। वो हम ब्लाइंड हम ऊपर भी कर सकते हैं। हम सीधा सिंपल जाएंगे मिड प्लेन में, गए इसकी रखी 12 mm की, ठीक है। जो हमारी थिकनेस रहेगी वो 12 mm की रहेगी, इस साथ ओके कर दिया हम, ठीक है। फ्रंट प्लेन अब हम इसे कर देते हैं नॉर्मल, ठीक है। अब हम लेंगे फ्रंट प्लेन पर हमारा स्केच बनेगा, ठीक है। ये हमने कर लिया फ्रंट प्लेन सिलेक्ट। अब हम सिंपल एक लाइन लेंगे, इस पॉइंट पर क्लिक किया, पॉइंट पर क्लिक किया। अब इसको हम लाइन को आर्क में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे बैक करेंगे, फिर से आगे की तरफ करेंगे, देख सकते हैं जो लाइन हॉरिजेंटल है, तो सीधे हम लाइन पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर हॉरिजेंटल का रिलेशन दे देंगे। एक हम सर्कल लेंगे, सर्कल हमारा जो होगा उसका डैश होगा, शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ स्मार्ट डायमेंशन के लिए। एरो को ऊपर किया, राइट क्लिक करके जहाँ से हमने दिया 16 का डायमीटर, हमारा इस पॉइंट से जो होगा, इस पॉइंट से जो डायमेंशन होगी वो होगी 89। हमारा ये जो सर्कल जो होगा वो होगा जो आर्क हमारी होगी वो होगी 28 की। सॉरी वो होगी 14 की। और हमने जहाँ तक का जो डायमेंशन जो हमारी रहेगी वो रहेगी 82 की। ओके, एक हमने ली लाइन इस पॉइंट से, और हमने जहाँ से जहाँ तक की इसका जो हाइट है वो बतानी पड़ेगी। तो इसमें से जहाँ तक की जो हाइट हमारी रहेगी वो रहेगी 28, और हमारी जहाँ से जो डिस्टेंस है वो रहेगा 12 का। ओके,
ये हमारे बन गए 2D स्केचोस के। हम जाएंगे देखते हैं 2D स्केच कहाँ पर बन रहा है। ठीक है, ये बन रहा हमें मिड को, हमें इसे इस स्केच को ऑफसेट करेंगे 11 mm का स्केच से। ठीक है, तो हम फीचर्स में गए, एक्सट्रूड बॉस में गए। ये अब हमारा बन रहा है मिड पॉइंट से। हम क्या करेंगे कि पहले इसको स्केच से ऑफसेट करेंगे 11 mm का। ठीक है, ऑफसेट में से क्या होता है कि जो हमारा 3D जो बनता है वो स्केच से थोड़ी डिस्टेंस पर बनता है। जैसे हम 11 का डिस्टेंस लिया तो जो स्केच से 3D बनेगा जो बनेगा वो 11 mm से दूर बनेगा। ठीक है, ओके कर देंगे, ये हमारा बन गया। ठीक है, हमने अब इसको दूसरे साइड भी बनाना है स्केच के। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ एरोस को नीचे करेंगे, स्केच को सिलेक्ट किया, ये विजिबल हो गया सिलेक्ट। अब हमें इसको 3D में कन्वर्ट करना होगा, तो H2GOS में गए, तो फिर हम दूसरी बार क्या करेंगे, ऑफसेट कर देंगे किससे, स्केच से ऑफसेट किया। ठीक है, जे आर ओ इधर की तरफ है, हम इसको चेंज करेंगे इसके डायमेंशंस 11 mm का देकर। ठीक है, जे 11 mm इधर चला गया। ओके, क्लिक किया, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।